यूक्रेन ने जंग छिड़ने के बाद से अब तक मारियोपोल में 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया। वहां युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ यूक्रेन की सेना की भीषण जंग जारी है, जिसने पूरे मारियोपोल को खंडहर में बदल दिया। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के मिसाइल हमलों और टैंकों से बरसाए गए गोलों ने मारियोपोल की ऐसी हालत कर दी जिसे अब शहर कह पाना भी मुश्किल है। पूरे शहर की शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जिस पर हमले के निशान न हो। वहां ड्रोन से ली गई तस्वीर ने इस बात की गवाही भी दी। वीडियो में मारियोपोल में रूसी बमबारी में तबाह हुए थिएटर को दिखाया गया। बमबारी में थिएटर के सामने का हिस्सा भले ही थोड़ा ठीक दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही ड्रोन छत के ऊपर पहुंचा, ऐसा लगा जैसे वो कोई मलबे का ढेर हो। और सिर्फ थिएटर ही नहीं बल्कि शहर के ज्यादातर हिस्सों में हालात ऐसे ही दिखाई दिए, क्योंकि मारियोपोल पर कब्जे के लिए बीते 1.5 महीने से भयानक युद्ध चल रहा है। वहां के मेयर ने दावा किया कि इतने दिनों से चल रही जंग में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने शहर में नरसंहार को अंजाम दिया और इनके हमले में अब तक वहां 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, मारियोपोल के मेयर ने तो यहां तक कह दिया कि मरने वालों की संख्या 20,000 को भी पार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना मदद लेकर आने वालों को शहर में नहीं आने दे रही, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे शहर के भीतर उनकी सेना के नरसंहार का सच सामने आ जाएगा। मारियोपोल के मेयर ने रूसी सेना पर सबूत मिटाने के लिए शहर में शव जलाने वाली गाड़ी के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया और दावा किया कि रूस के सैनिक मारे गए नागरिकों को उन्हीं गाड़ियों में डालकर जला रहे हैं। तो उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से ये मारियोपोल का एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में 24 फरवरी यानी जंग शुरू होने के दिन से 5 अप्रैल के बीच के वहां के हालात दिखाए गए और इस वीडियो की शुरुआत एक बिल्डिंग पर हुए मिसाइल हमले से हुई। इसके बाद वीडियो में शहर में कहीं रूसी टैंक गरजते नजर आए तो कहीं इमारतों पर हो रहे हमलों को दिखाया गया। वहां अपनी आंखों के आगे सब कुछ तबाह होते देख रोते बिलखते लोग भी नजर आए। अस्पतालों में घायल बच्चों का इलाज होता दिखाई दिया तो कहीं किसी बच्चे की मौत पर फूट फूट कर रोते परिवार वाले दिखे। यही नहीं, वीडियो में एक जगह खोदा गया एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें लोग कई शव डालते नजर आए। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो के अंत में एक बच्ची दिखाई गई जो जंग के जल्द खत्म होने की प्रार्थना करती नजर आई।